आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो वेलकम, ये है शुक्रवार और शुक्रवार को लौट आया है आईपीएल की कहते हैं सीजन 2 का तीसरा एपिसोड। मेरा नाम है कुमार केशव और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। मेरे साथ हैं मानस तिवारी और जिनको आप सुनते रहे पिछले 2 एपिसोड में भी, और हमारे वरिष्ठ साथी विश्व मोहन जी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं सूरज पांडे, दि ललन टॉक के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और प्रवीण नेहरा जो भी खेल पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है। शुक्रिया। आप बताइए, इस पॉडकास्ट में हम लोग बीते एक हफ्ते के आईपीएल मैचों की बात करते हैं, तो मानस से मैं शुरू करना चाहूंगा। मानस, कैसा रहा पिछला हफ्ता आईपीएल का? यार मैं अगर गलत हूं तो मुझे सही जरूर करना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहला जो हफ्ता था उसके मुकाबले थोड़ा धीमा था। पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा ऐसे लास्ट बॉल के मैचेस, लास्ट ओवर वाले फिनिशेस वाले मैचेस देखने को मिले थे। इस हफ्ते मुझे लगा थोड़े वन साइडेड मैचेस ज्यादा हो गए। जैसे कल मतलब राजस्थान रॉयल्स के साथ क्या हुआ अभी तक बैठ के सोच ही रहे होंगे वो कि ये कौन आया क्या करके चला गया। वैसे ही उस दिन हैदराबाद का जो मैच था वो भी काफी वन साइडेड हो गया। तो 2-3 मैचेस ऐसे मुझे लगा, और कुछ मैच जैसे जो केकेआर और चेन्नई वाला मैच था वो हमें लगेगा स्कोरबोर्ड देख के कि आखिर में हाँ भाई सिर्फ 18 रन से एक शायद केकेआर हारी है, बट वो भी एक मतलब वन साइडेड मैच ही था। केकेआर थ्रू आउट चेज ही कर रही थी, तो बहुत सारे वन साइडेड मैच देखने को मिले। क्यों विश्वा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये हफ्ता बल्कि ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पर टक्कर नहीं है, वो कांटे की टक्कर जो देखने की बात कुछ तो जरूर दिखी, लेकिन कल का मुकाबला बेहद एक तरफा जिसमें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो खेल दिखाया वो कमाल का था, और रॉयल चैलेंज बल्कि राजस्थान रॉयल्स का कोई जवाब उस बीच दिखा नहीं जो वहां मैच में दिखना चाहिए था, और निश्चित रूप से निराशाजनक प्रदर्शन रॉयल्स का। और सबसे बड़ी बात के आरसीबी लगातार मैचेस जीत कर पॉइंट टेबल पर, पहले भी जो हमने पिछले हफ्ते की बात की थी तो वहां भी अजय थी, और अब जब देख रहे हैं वो भी 4 मैच लगातार जीतकर सबसे ऊपर, और रॉयल्स बल्कि प्रदर्शन बल्कि आरसीबी का रॉयल्स प्रदर्शन है, और निश्चित रूप से ये प्रदर्शन विराट कोहली की टीम के हौसले को ऊपर रखेगी, और आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि इस प्रदर्शन को कितना आगे ले जा पाते हैं विराट। विश्व मोहन जी और मानस दोनों का कहना था कि वो थ्रिल जो है ना आईपीएल का जो वो मिसिंग था, नेक टू नेक फाइट जो हमें देखने को मिलते थे वो पिछले हफ्ते कम देखने को मिले। आप क्या कहेंगे? मैं इसमें थोड़ा इसको अलग नजरिए से देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि पहले हफ्ते में टीमों को एडजस्ट होने में काफी टाइम लगा, क्योंकि इस बार होम और अवे का एडवांटेज है नहीं, लेकिन अब जो जहां खेल रहा है वहां एडजस्ट कर चुका, और इसी के चलते हमको बहुत ज्यादा खींचते मैच नहीं दिख रहे। रही बात आरसीबी की, तो उनकी 2 समस्याएं थी पिछले मैच से पहले, यूजी चहल और ओपनर्स का ना चलना। एक तो सॉल्व हो गई, और क्या कमाल की सॉल्व हुई, बस यूजी चलने लगे फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें मतलब मैं आरसीबी फैन हूँ तो निश्चित तौर पर हमें ही कहूंगा, और ये कमाल का हफ्ता रहा, और अभी तक 2 हफ्ते जो गए काफी कमाल के गए, लेकिन उम्मीद है कि अंत तक आते आते भी ये हंसी कायम रहेगी आरसीबी फैंस की। लेकिन साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आईपीएल उन प्रदर्शनों का गवाह रहा है जहां पर टीम जीतती आ रही होती है और अचानक क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है और फिर लगातार हारती है। पिछली बार का ही उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली कैपिटल्स शुरुआती 9 मैचों में उन्होंने सिर्फ 2 ही मैच गवाए, और 7 मैच उनके नाम रहे लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैच हार गए, तो वैसी स्थिति ना आ जाए ये ध्यान रखना पड़ेगा। सूरज के मुताबिक आरसीबी फैन कह रहे हैं काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है ना? प्रवीण आप क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, मैं सूरज जी से बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ। मेन है कि इस बार आपको होम मैचेस नहीं मिल रहे हैं, अवे मैचेस नहीं मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, एक मैच चेन्नई में हो रहा है, अगला मुंबई में, फिर दिल्ली में। इस बार ऐसा नहीं है। अब देखिए 2 हफ्ते हो गए, शुरू के सारे मैच सिर्फ मुंबई और चेन्नई में ही खेले गए हैं, तो पिच भी टूटती जा रही है, जिस तरह आपने कहा कि लो स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं, तो बहुत सी टीम ऐसी है वो अपनी टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं बना पा रही है। उन्होंने आईपीएल के ऑक्शन के टाइम टीम तो चुन ली अलग हिसाब से, लेकिन अब कुछ टीमों को ऐसा है कि चेन्नई में ही खेलने हैं लगातार मैच, तो उसके हिसाब से टीम चुननी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में ही टॉप की टीमों में और बॉटम की टीमों में काफी अंतर आ गया है।
अब आप बेंगलोर को देखिए, चेन्नई को देखिए, वो शुरू में अपने चार मैच, तीन तीन मैच, चार चार मैच जीत के बैठे हुए हैं। वहीं आप पंजाब, राजस्थान, केकेआर, हैदराबाद की बात करें तो सबको चार में से एक एक मैच ही जीत मिल पाई है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पा रहे हैं ढंग से, पिच के हिसाब से वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको प्लेइंग 11 में खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। जो टीम उन्होंने स्टार्टिंग में डिसाइड की थी कि हम इसके साथ जाएंगे उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अब जैसे पंजाब है, उनको चेंजेस करने पड़ेंगे, गेल को उनको ओपनिंग में खिलाना पड़ेगा, चाहे आप मयंक अग्रवाल को वन डाउन खिलाइए या उससे नीचे खिलाइए, तो आपको स्थिति के अनुसार टीम में चेंजेस तो करने पड़ेंगे अगर आपको इस साल अपनी टीम को आगे तक लेके जाना है, क्योंकि मैचेस आपके मुताबिक ग्राउंड्स पे नहीं होंगे। स्थिति के मुताबिक सबको अडॉप्ट करना होगा। लेकिन आरसीबी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, टेबल टॉपर बनी हुई है, एकदम इनविंसिबल लग रही है। पिछले साल में देखें तो पिछले साल भी सब कुछ उनका बिखरा हुआ लग रहा था, तितर बितर, लेकिन इस बार मामला वही। सर देखिए, आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया, तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि मुंबई जैसी टीम शुरू के 6 मैच हार के लगातार 7 मैच जीत के क्वालिफाई कर जाती है। कुछ टीमें हैं शुरू 9 में से 7 मैच जीत के उसके बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं। अच्छी दिख रही है क्योंकि बैटिंग अच्छी चल रही है, बॉलिंग अच्छी चल रही है, और एक टीम में जब सब कुछ अच्छा होता है तो टीम अच्छी लगती है। देखना यह है कि जब टीम में परफॉर्मेंसेस नहीं होंगे तब वो कितने चेंजेस करते हैं, क्या वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं या क्या करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ठीक बात है। मानस, मैं आपका इनपुट जानना चाहूंगा, आरसीबी के का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 हफ्तों में। यार आरसीबी के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार हो गया है वो ग्लेन मैक्सवेल हो गया है। मतलब शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जब 14 करोड़ 15 करोड़ में ले तो लिया, बट उनको लगा होगा शायद 14 में से हमें 2 या 3 मैच जिता देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, पर उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पहले 3 ही मैचों में उनका ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक एक वो बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है, और मैक्सवेल के लिए भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक मूव रहा है कि वो आरसीबी में आ गए हैं, क्योंकि मैक्सवेल एक क्या है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जब भी वो जिस भी टीम में जाते हैं हमेशा उनपे ही हेडलाइंस रहती हैं, उन्हीं के बारे में बात होती थी हर साल। यहाँ पे क्या हुआ है, अब आरसीबी मतलब अगर आपको एक ऐसे खिलाड़ी से स्पॉटलाइट हटानी है तो आपको उससे भी एक बड़ा खिलाड़ी चाहिए, और आरसीबी में 2 ऐसे खिलाड़ी ऑलरेडी है, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, उनसे बड़ा कोई शोमैन है ही नहीं इस गेम में। तो सडनली मैक्सवेल से वो स्पॉटलाइट हट गई है और अब वो ज्यादा फ्रीली खेल रहे हैं, उनको वो विराट कोहली कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि उनके बाद में एबी डिविलियर्स आ रहे हैं और मैक्सवेल ऊपर खेल रहे हैं। हर्षल पटेल एक बहुत अच्छा ट्रांसफर आरसीबी की तरफ से रहा है कि जो उन्होंने, और मतलब मेरे को लगता है दिल्ली भी कहीं ना कहीं बैठ के रिकी पॉन्टिंग सोचते होंगे कि पिछले 2 साल में क्या किया उन्होंने, 2 ऐसे गेंदबाज, पहले ट्रेंट बोल्ट मुंबई को दे दिए और अब हर्षल पटेल दे दिए आरसीबी को, और उनकी खुद की बोलिंग अब स्ट्रगल कर रही है। और मानस, आपने एक चीज की होगी कि जिस तरह से आक्रामक दिखते हैं विराट कोहली, उन्हीं आक्रामकता को आगे ले जाने के लिए उनकी टीम में इस बार एक खिलाड़ी और जुड़ चुका है, काइल जेमिसन। उनको देखा होगा अपने गेंदबाजी के दौरान जिस तरह से वो पूरा अपने आप को स्थापित करते हैं मैदान पर, और जिस तेजी के साथ गेंदे डालते हैं और पूरा दमखम लगाते हैं, ये विराट के लिए बहुत बड़ी बात। इस बार डेफिनेटली बहुत सारे ब्राइट मतलब स्पॉट्स हैं आरसीबी के लिए। अगर आप ऊपर देवदत्त पडिक्कल को देखेंगे, जो कल उन्होंने इनिंग्स खेली है, मतलब एक अनकैप प्लेयर मनीष पांडे ने भी सेंचुरी मारी थी, अनकैप संजू सैमसन भी थे जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी, बट मैंने आज तक आईपीएल में इतनी डोमिनेटिंग इनिंग्स किसी अनकैप प्लेयर से देखी नहीं है, एकदम फ्लॉलेस। मतलब विराट कोहली को उन्होंने वो सेकंड सपोर्टिंग रोल में डाल दिया, जो हमेशा खुद एक लीड एक्टर है। विराट ने स्वीकार भी किया, विराट ने स्वीकार भी किया कि हमने पूरी तरह से उस तेजी को हासिल करने की छूट दे दी थी पडिक्कल को, और पडिक्कल ने दोनों हाथों से उस मौके को लपका। एक बार तो उन्होंने कहा भी विराट से कि आप चलो फिनिश कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया पहले आपकी सेंचुरी है, सेंचुरी आप लगाइए, हम आपके साथ। आरसीबी के बारे में बहुत बॉलर लग रहे हैं, आपको याद होगा 2019 में एक मैच हुआ था इसमें आंद्रे रसल ने उनके मतलब धागे खोल दिए थे छक्के मार मार के, और इस अभी पिछले हफ्ते उन्होंने आंद्रे रसल को एक ओवर डाला है 1900 ओवर्स में, 1 रन दिया था और आउट शायद नहीं किया था, शायद 1 ही रन दिया था। तो बहुत इंप्रूव प्लेयर हो गए हैं 2 साल में, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आरसीबी के लिए। बिल्कुल, मैं इसी के बारे में कहना चाह रहा था, और आरसीबी के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा सुन के सूरज बाबू मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। और साथ में केशव, आरसीबी के बाद हमें सीधे आ जाना चाहिए अब धोनी के सीएसके पर, जिस तरह से उनका भी प्रदर्शन लाजवाब रहा है। ठीक बात है, हम धोनी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। पिछले एपिसोड में जब हम बातचीत कर रहे थे तो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे धोनी का वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था, चेन्नई एक बार फिर से मतलब पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन पिछला एक जो हफ्ता रहा उसमें जो टर्न अराउंड रहा है सीएसके का, उसको लेकर क्या कहेंगे सूरज?
देखिए सीएसके के लिए अभी काफी सारी पॉजिटिव चीजें हैं। शुरुआत में एक मैच वो हारे थे लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कमाल की वापसी की, और इसमें काफी बड़ा रोल उनकी बैटिंग का है। लगातार वो 80+ अगर आप बना रहे हैं तो ये बड़ा प्लस हो जाता है, क्योंकि जब बोर्ड पे 190 या उसके पार का स्कोर कम जाता है तो सामने वाली टीम वैसे भी प्रेशर में आ जाती है। जैसे हमने देखा राजस्थान रॉयल्स एकदम ढह गई थी 189 चेज करते हुए, और दूसरे मैच में केकेआर ने फाइट की लेकिन बहुत देर हो गई थी। 31/5 खोने के बाद आपके तीन बैट्समैनों ने 40+ किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अंत में वही हुआ कि लास्ट का जो तीन है वो बिना खाता खोले आउट हो गए और आप मैच आपने गंवा दिया। इसमें देखना यह भी होगा कि सीएसके की बॉलिंग कुछ खास नहीं करे, अगर दीपक चाहर को हटा दें इन दोनों मैचों में जो सीएसके जीती उन्होंने 4-4 विकेट निकाले, जी बिल्कुल, तो बाकी बॉलर्स उनके क्लिक नहीं कर रहे, ये एक बड़ी चिंता होगी धोनी के लिए। एनगीडी अच्छा एक एडिशन थे, तो तीन विकेट उन्होंने, हाँ, लेकिन दिक्कत वही है फॉरेन प्लेयर्स के साथ कि आपको एक को लाने के लिए दूसरे को बाहर करना पड़ता है, कई बार ये कॉम्बिनेशन के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। वानखेड़े की पिच थी तो मुझे लगता है एनगीडी चल गए, अगर चेन्नई लेग में एनगीडी को यूज किया जाए तो मुझे लगता है चेन्नई में मैच खेलेंगे नहीं ना, चेन्नई मैच लेकिन चेन्नई में चेन्नई खेलेगी नहीं, बिल्कुल ये कंफ्यूजन हो जाती है आरसीबी फैन होने के नाते। एक पॉइंट करूंगा, देखो धोनी का ये मास्टर स्ट्रोक भी है, इससे पिछले वाले मैच में मोइन अली ने 3 विकेट लिए थे, पिछले मैच में बॉल नहीं डलवाई उनसे केकेआर के अगेंस्ट, तो बॉलर्स हैं इनके पास बट कितना स्मार्टली यूज करते हैं कि वो बीच में एक ऐसा स्टेज आया जब जब सारे जो लेफ्ट हैंडर थे केकेआर के, मॉर्गन नरेन नीतीश राणा सब आउट हो चुके थे ऑलरेडी, दिनेश कार्तिक आंद्रे रसल बैटिंग कर रहे थे, तो ऑफ स्पिनर को लेकर नहीं आए, तो बॉलिंग ऑप्शंस और भी हैं इनके पास, इन्हें सिचुएशंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और सैम करन, खास करके सैम करन एक तरीके से पूरा एसेट साबित हुए हैं सीएसके के लिए, चाहे वो बैटिंग हो, चेन्नई मेरे हिसाब से तो चेन्नई के लिए अगर देखा जाए तो चेन्नई के लिए जो सबसे खास बात वो ये है कि उसमें कुछ कोई एक दो खिलाड़ी, जैसे अगर आप दीपक चहर की और डुप्लेसिस की बात ना करें तो उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी कर रहे हैं। आप मोइन अली की बात करें, जडेजा की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, 50 मारी है, ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 कर दी, कॉन्ट्रीब्यूशन वही हम उनकी टीम में अगर और एक चीज पर ध्यान देना चाहिए आपको कि ये सारे जो योगदान हो रहे हैं उस योगदान में उत्साह बढ़ाया आकर के महेंद्र सिंह धोनी ने चौथे नंबर पर आ गए और सारे हौसले बढ़ गए उनके टीम के। जिस तरह से वो नीचे आते थे इंतजार करते थे कि धोनी अब उतरेंगे, खैर छोटी पारी खेली 17 रन ही बना पाए, लेकिन उस 17 रन में कुछ दम था और टीम का हौसला बढ़ा। बिल्कुल, एक छक्का भी दिखाया उन्होंने सूरज बाबू, एक छक्का भी दिखा धोनी का फाइनली। नहीं धोनी के बारे में मतलब ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और काफी लोग उनसे प्यार करते हैं, लेकिन पिछला मैच जो रॉयल्स के खिलाफ हुआ उसमें अगर चेन्नई हारती तो धोनी के बारे में उल्टा कहा जा रहा होता कि उन्होंने सैम करन से ऊपर खुद को क्यों उतारा या ड्वेन ब्रावो से ऊपर, क्योंकि उनका बल्ला चल नहीं रहा था। 17 गेंदों में उन्होंने 18 रन बनाए थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में जो कि इनके खिलाफ हुआ आपके केकेआर के खिलाफ, उसमें धोनी ने अच्छी बैटिंग करी, शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल किया लेकिन बाद में काफी अच्छी रिकवरी की और विंटेज थाला देखने को मिले, ये बड़ी अच्छी बात है हर क्रिकेट फैन के लिए। हर कोई चाहता है कि धोनी रन बनाए और खास तौर से स्ट्राइक रेट मेंटेन रखे, क्योंकि उनके बाद इनके पास आप देखिए दीपक चाहर तक के नाम फर्स्ट क्लास में 50 है, तो 11वें 10वें नंबर तक आपके पास बैटिंग है, तो ऐसे में अगर आप ऊपर आके 140 की स्ट्राइक से रन नहीं बना पाएंगे तो कम से कम मैं तो सवाल करूंगा। बिल्कुल सही, मैं सूरज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। धोनी का सिर्फ इस पिछला मैच ही नहीं, अगर आप पूरा एंटायर करियर भी उठा के देखेंगे तो उनके डिसीजंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं रिजल्ट, मोस्टली उनका रिजल्ट अच्छा ही रहता है तो उनके डिसीजंस को सब अच्छे तरीके से देखते हैं। आप वर्ल्ड कप का डिसीजन ले लीजिए, फाइनल का, बहुत से डिसीजंस हैं ऐसे। तो सही कहा सूरज जी ने, सुरेश रैना से पहले आप बैटिंग करने आ गए, सैम करन से पहले आप बैटिंग करने आ गए, माना आप अच्छे फिनिशर हैं लेकिन खराब फिनिशर वो भी नहीं है। स्ट्राइक रेट की बात आ रही है तो मुझे एक नाम याद आ रहा है, पुजारा का, ऑक्शन में काफी तालियां बजी थी। यार अब पुजारा से पहले तो रॉबिन उथप्पा भी बैठे हुए, ओपनर है वो भी, और मुझे लगता नहीं अब क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने जो इनिंग्स खेल दिया और स्टीवन फ्लेमिंग ने जो स्टेटमेंट, और अब ये कहना पड़ेगा कि टूर्नामेंट की शुरुआत में बीसीसीआई ने कहा था कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बैठेंगे बाहर तो उन्हें हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का प्रैक्टिस करवाएंगे, और वो दो खिलाड़ी कौन है तो एक तो आपने नाम बता ही दिया पुजारा,
और दूसरा साथ में उनके हो रहे हैं, लग रहा है कि वो भी उनके साथ हो जाएंगे अजिंक्य रहाणे। मुझे भी ये लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए रखा गया है टीम के साथ। अच्छा एक खिलाड़ी और है चेन्नई का, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। ज्यादातर अंडर द रडार फ्लू कर जाते हैं, थोड़ा सा बात उतनी होती नहीं है। इन्हें जब चेन्नई ने खरीदा था ना, क्योंकि हम अभी डिसीजंस की जो बात कर रहे हैं, 2011 में खरीदा था, तब तक इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू अपना नहीं करा था। T20 क्रिकेट में इनके सिर्फ 850 रन थे और 49 विकेट ये ले चुके थे। बॉलिंग ऑलराउंडर थे, कोई गेस कर सकता है कौन था ये प्लेयर? डीजे ब्रावो? नहीं नहीं, ब्रावो शायद डेब्यू कर चुके थे। जड्डू? नहीं, जड्डू राजस्थान के साथ थे। जड्डू तो राजस्थान के साथ थे शुरू में, इन लीगल स्टेट की कोशिश हुई थी। ये खिलाड़ी थे फाफ डुप्लेसी। इनके T20 क्रिकेट में सिर्फ 850 रन थे उस समय तक और 49 विकेट थे। लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर थे ये। इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने उसी साल जब चेन्नई ने इनको खरीदा था, उसके थोड़े महीनों के बाद ही इंडिया के अगेंस्ट एक सीरीज में डेब्यू किया था, फिर वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला था 2011 का। तो फाफ डुप्लेसी को उन्होंने तब पिक किया था जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले भी नहीं थे और शायद किसी को पता भी नहीं था कि एक प्रॉपर बैट्समैन बन सकते हैं। और इतने मतलब एक दशक में कितने सारे मैच इन्होंने चेन्नई को जिताए और हमेशा धोनी के साथ खड़े रहे। आई थिंक धोनी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब फाफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ी उनके साथ होते हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय भी करते हैं डिसीजंस के लिए। तभी जब पुणे की टीम भी बनी थी, वहां पे भी फाफ डुप्लेसी को अपने साथ लेके गए थे। बट मतलब कमाल का पिक रहा है ये फाफ डुप्लेसी। कोई बात नहीं करता है, बहुत ज्यादा इनके बारे में चर्चा होती नहीं है क्रिकेट में, बट बहुत ही कमाल के प्लेयर है। क्या फील्डर, क्या तगड़े फील्डर है। सही बात है, उम्र के इस पड़ाव पे भी। इसमें एक एंगल ये भी है कि प्लेयर्स पिक करने की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि एक स्काउटिंग नेटवर्क होता है पूरा। धोनी के इनपुट्स निश्चित रूप से रहते होंगे, लेकिन स्काउटिंग नेटवर्क पूरा होता है। और इस हाल के सालों में हम देखें तो 30+ प्लेयर जिस तरह से CSK ला रही है, डैडीज आर्मी बनती जा रही है। डुप्लेसी आपके कितने सीजन खेलेंगे, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है डुप्लेसी की। सर हमको तो लग रहा है चेन्नई की आधी टीम तो वैक्सीनेशन के लिए लीगल है, कि उनको वैक्सीनेशन लग सकता है कोविड का। जब इस साल मेगा ऑक्शन होगा देखो सारे खिलाड़ी चेंज होंगे, लेकिन ये देखना है कि पिछले 10 साल जब खेले हैं उसमें क्या करें। आगे जो होगा वो तो अब तो सबको ही टीम पूरा वापस शुरू से बनानी पड़ेगी, सारे खिलाड़ी छोड़ने पड़ेंगे। एक बात एक चीज हम लोग बॉलिंग और बैटिंग में एक चीज धोनी के ऊपर मैं आप सबसे जरूर पूछना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि जब धोनी नए नए कप्तान बने थे तो उनका यही कहना था कि एक उम्र के पड़ाव के आने के बाद आपको खेलना छोड़ देना चाहिए, हमें फिट खिलाड़ी चाहिए, यंग खिलाड़ी चाहिए, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे उम्र की वजह से। राहुल द्रविड़ को निकाला गया, काफी खिलाड़ी अच्छे अच्छे दिग्गज हमारे निकले। तो क्या ये अब धोनी के साथ वही नहीं हो रहा है? उन्होंने अप्रोच भी चेंज कर दी ना जब धोनी, और तभी तो उन्हें पिछले मैच के बाद कहना पड़ा कि हम इसलिए खुद को इस तरह से फील्ड में दिखाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने खुद को रनआउट से बचाया कि लोग ना कहें कि मैं अनफिट। कह तो गांगुली और लक्ष्मण भी यही बात रहे थे कि हम फिट हैं, लेकिन सुनी नहीं गई दिशा में जा रहे हैं। इसको IPL पे रखते हैं और IPL के पिछले हफ्ते पे बातचीत को रखते हैं, ये बातचीत। मुझे लगता है कि धोनी पर सवाल उठाने के लिए उनके आज पिछले 2 सीजन के फैसले काफी, इतना पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक 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 ठीक, तो इसको IPL पे ही रखते हैं। और एक नई टीम बात करना नई टीम का आते मैं एक एस्पेक्ट पे बात करना चाहूंगा, फील्डिंग वाले एस्पेक्ट पे, क्योंकि इस पे कम ही बातचीत होती है। जडेजा का वो थ्रो, बुलेट वाला थ्रो जो KL राहुल को रन आउट कर दिया उन्होंने, और कोई फील्डिंग जो आपको लगा कि एकदम आउटस्टैंडिंग था पिछले हफ्ते, याद हो अगर किसी को? पांड्या ने 2 रन आउट किए थे शायद लास्ट वीक ही। पांड्या ने भी किए हैं, डैन क्रिश्चियन मतलब 38 ईयर ओल्ड मैच खेल रहे थे, 12th मैन थे, और एज अ 12th मैन आके आई थिंक KKR के अगेंस्ट क्या शुभमन गिल का कैच उन्होंने पकड़ा था। शुभमन गिल का कैच था। देखिए इस टूर्नामेंट में अब तक देखिए उनका प्रदर्शन, खास करके शिखर धवन का 3-3 कैच लपके, पर रियान पराग ने एक मैच में 3 कैच लपके, और ये 4 कैच जो के इस तरह से लपक कर उन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी की। कई खिलाड़ियों ने अब तक एक पारी में जडेजा ने बल्कि 4 कैच लपके, तो निश्चित रूप से ये फील्ड में, और खासकर उन्होंने उसके बाद जो सेलिब्रेट किया 4 उंगली दिखा करके, तो निश्चित रूप से उस साथ उनका बढ़ा ही, और लोगों को भी मनोरंजक लगा ये उनका जो भी उन्होंने मैदान में ये इस तरह की बातें की। और उसी मैच यार पराग ने अपनी बॉलिंग पे रनआउट भी किया था नीतीश राणा को, जहां पे वो अच्छा खेल रहे थे।
वो भी अच्छा रन आउट कर देंगे। रियान पराग राजस्थान से खेलते हैं, नहीं केकेआर के खिलाफ ऋषभ पंत को रन आउट किया, ऋषभ पंत को किया था शायद ना दिल्ली के खिलाफ। खामोश ही रहा है, लेकिन टीम जो है चार में से तीन मैच जीत चुकी है और लग भी नहीं रहा कि जो उनका रेगुलर कैप्टन थे श्रेयस अय्यर उनको मिस कर रही है। और पिछला मैच जो देखे मैं यही टोकूंगा, वही श्रेयस अय्यर को एज अ बैट्समैन मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एज अ कैप्टन मिस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। नंबर तीन उनका अभी भी सॉल्व रहने को ट्राई किया, स्टीव स्मिथ को दो मैच में ट्राई कर चुके हैं, वो जो एक वहां पे वर्ल्ड बन गया ना उसकी वजह से उन्हें आंद्रे नोकिया को बाहर बैठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्टीव स्मिथ को खिलाना तो आप चौथा फॉरेन प्लेयर नहीं खिला सकते। तो वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन श्रेयस अय्यर एज अ बैट्समैन को मिस कर रहे हैं, कैप्टन चलो क्योंकि वहां रिकी पोंटिंग है तो कप्तानी तो वही करते हैं ज्यादातर, तो कप्तान एज अ कैप्टन मिस नहीं करेंगे बट एज अ बैट्समैन काफी मिस कर रहे हैं। और कप्तानी अच्छी भी कर रहे हैं ऋषभ पंत, रिकी पोंटिंग ऋषभ पंत नहीं पॉन्टिंग हो या पंत तो बिल्कुल किल के लिए नहीं जा रहे ये लोग, उस टाइम में इतने सारे विकेट गिराने के बाद ये लोग लेके चले आए आपके ऑलराउंडर से बॉलिंग करा रहे मार्कस स्टोइनिस से, वहां उनको किल के लिए जाना। ये आशंका है दिल्ली कैपिटल्स के साथ कि पृथ्वी शॉ जिस तरह से शुरुआत अच्छी की और फिर उसी ढलान पर जा रहे हैं जैसे पिछले टूर्नामेंट में हुआ था पिछले आईपीएल। पृथ्वी शॉ ने देखिए मुझे लगता है अपनी टेक्निक पे अभी भी काम नहीं किया, एक्सप्रेस पेस के गेंद जब पढ़ के अंदर आती है तो उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी महारत नहीं हासिल कर पाए। तो निश्चित तौर पर जिस टीम के पास एक्सप्रेस पेसर है उसके सामने दिक्कत होनी ही है पृथ्वी शॉ को, जल्दबाजी भी कर रहे हैं थोड़ी, मतलब थोड़ा ना टिक के नहीं खेल रहे हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं ज्यादा शॉट्स मारने के चक्कर में, हाँ विस्फोटक बनने के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहे। शिखर धवन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ उतर रहे हैं, उसके बाद टीम को अंत तक ले जाने की पूरी कोशिश रहती है और पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली। और स्टीव स्मिथ टीम में आ चुके हैं, कल टीम में है बल्कि मौका उनको पिछली बार मिला और उन्होंने भी हाथ खोला 33 रन बनाए, तो एक प्लस पॉइंट है दिल्ली के साथ। दिल्ली को स्थायित्व, दिल्ली की जो पारी है ना बैटिंग उसको स्थायित्व देने के लिए स्टीव स्मिथ। लेकिन वापस में शिखर धवन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चार मैच की चार पारियों में 231 रन, 57 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 148 का, जो कि मतलब शिखर धवन उतनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन पिछले साल दो साल से जो उनका बैटिंग रहा है वो लाजवाब रहा है, क्या कहेंगे मानस? हेलो क्या हुआ यार, हेलो सॉरी मिस कर दिया कुछ, क्या बोलना? शिखर धवन पे मैं बोल रहा था। अच्छा वापस बोलो एक बार, सॉरी मैंने मिस कर दिया सर। शिखर धवन के बारे में जरूर बात करना चाहिए क्योंकि चार मैच के चार पारियों में 231 रन है, 58 का लगभग एवरेज और 148 का स्ट्राइक रेट है और शिखर धवन ज्यादा। और कमाल की बात यह है कि शिखर धवन को इंडियन टीम में रिप्लेस करा था केएल राहुल ने, क्योंकि लोगों का मानना था कि शिखर धवन जो है T20 क्रिकेट में शायद उतना तेज बल्लेबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा उनका स्कोरिंग रेट धीमे है। और कितना आयरोनिकल है कि अब आप आईपीएल में देख रहे हैं कि शिखर धवन अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं अच्छी बल्लेबाजी करके, काफी अच्छे से एडजस्ट भी कर रहे हैं, केएल राहुल जो है उनकी धीमी बल्लेबाजी की वजह से उनकी टीम एक दो मैच हार गई है। सो अगर मैं बोलूं तो बेसिकली शिखर धवन इज द केएल राहुल वी वांटेड टू रिप्लेस शिखर धवन विद इन द फर्स्ट प्लेस। और यहाँ एक्सपीरियंस भी दिखता है क्योंकि बहुत सारी टीमों का मैंने देखा जो फर्स्ट जो 8-10 दिन में मैचेस थे थोड़े विकेट ना स्लो थे और बल्लेबाज ना स्ट्राइक रोटेट करने के लिए नहीं जा रहे थे, सब बाउंड्री मारने में जा रहे थे, वहां हमने देखा काफी सारे लो स्कोरिंग रन चेजेस जो थे वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वहीं अगर आप शिखर धवन को देखेंगे तो एक हाई स्कोरिंग रन चेज में भी वो सिंगल डबल गैप्स को मनूवर करना, कब बाउंड्री मारनी है, छक्के मारने नहीं जा रहे थे, एक चौका मारा, दो डबल निकाले, एक सिंगल निकाला, आपके रन्स आ गए ओवर के। तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आती है और वो शिखर धवन के पास काफी है। देखिए शिखर धवन के मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ 2016 से, 2016 में 501 रन, 2017 में 479, 18 में 497, 19 में 521, 2020 में 618 और अभी चार मैचों में 231। आईपीएल में लाइमलाइट में वो पिछले दो साल से भले ही दिख रहे हैं हमको कि परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पिछले चार पांच साल से वो लगभग क्या 450 ऊपर रन बना ही रहे हैं, 450 500 रन बना रहे हैं 2016 से लगातार शिखर धवन।
और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है, हर साल इनको राइट ऑफ करते हैं हम लोग, हर साल इनको कुछ ना कुछ, कभी इंडियन टीम से ड्रॉप कर देते हैं, कभी इनको राइट ऑफ करते हैं, हर साल कम बैक करते हैं कंसिस्टेंटली। अगर आपको 450 रन दे रहे हैं एज एन ओपनर और मैच जिता रहे हैं 3-4, इस तरह कंसिस्टेंसी आप मतलब यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेयर इन दिस फॉर्मेट। और लगातार इनकी 4-5 साल में स्ट्राइक रेट देखें तो लगातार इनकी स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर रही है, कंसिस्टेंट है, अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो फिर समय नहीं आता लेना, लेकिन कि सवाल क्यों उठते हैं इनके परफॉर्मेंस पे, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं हमेशा ही। मेंटल स्ट्रेंथ ही पता चलती है खिलाड़ी की, बाउंस बैक करते हैं हर बार, क्रिटिसिज्म जो होता है तब भी बाउंस बैक करते हैं ऐसा, मतलब आई थिंक पृथ्वी शॉ को बहुत कुछ सीखना चाहिए शिखर धवन से, उनके साथ ओपन करते हैं तो काफी कुछ सीखे भी उनसे। जी बिल्कुल ठीक बात है। और चौथी जो टीम है पॉइंट्स टेबल में वो मुंबई की टीम है। पिछले हफ्ते जब हम लोग पिछले दोनों एपिसोड में हम लोग जब बात कर रहे थे तो यही निकल कर आया था लबुलवाब कि मुंबई इंडियंस जो है वो कंटेंडर है एक बार फिर से कप की, लेकिन अभी तक 4 मैचों में 2 जीती है और 2 हारी है, मतलब एक तरीके से एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। तो मानस और विश्वा आप क्या ओपिनियन बदलना चाहेंगे मुंबई को लेकर के, या अभी भी है उस पे दांव? नहीं अभी अभी इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ इतना मानना पड़ेगा उनका मध्य क्रम, बल्लेबाजी की बात करें तो मुंबई का मध्य क्रम पूरी तरह से अब टीम के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। शुरुआत उनको थोड़ी बहुत रोहित ने दे दी है अच्छी, लेकिन पूरी तरह से वो टीम बल्लेबाजी में पिछड़ रही है। गेंदबाजों ने बेहतर किया है, कम स्कोरिंग मैच यानी कि पहले बैटिंग करके कम रन बनाकर फिर मैच जीतना ये उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन बल्लेबाजों को भी कुछ करना पड़ेगा। और मुंबई इंडियंस चाहेगी कि आज जो उनका मुकाबला है पंजाब के साथ तो वहां इस बार कुछ बल्लेबाज करके दिखाएं, और ये पूरे खेमे में ये बात चल रही है कि बल्लेबाजों को कुछ करना पड़ेगा, लंबे स्कोर करने पड़ेंगे तभी जाकर के वो आगे बढ़ सकेंगे, वरना आगे बहुत दिक्कत होगी। मुंबई के साथ केशव थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि अनलाइक एसआरएच जिनके हैदराबाद में क्या है कि मिडिल ऑर्डर में ना बहुत सारे यंग बैट्समैन थे जो प्रूवन टैलेंट नहीं है जिनको आप मौका दे रहे हैं, और जैसे ही वो फेल हुए तो आपने सडनली बदलाव करने शुरू कर दिए। मुंबई के साथ एडवांटेज ये है कि भले ही उनका मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर अभी उतने रन उन्होंने करे नहीं है, बट हमें पता है कि वहां बहुत ज्यादा क्वालिटी है। हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, केरन पोलार्ड तीनों मैच विनर्स हैं, इनफैक्ट पोलार्ड ने एक मैच ऑलमोस्ट जिता भी दिया बैट से, तो ये तीनों ना प्रूवन टैलेंट है। तो मुंबई मेरे हिसाब से ना इतना जल्दी पैनिक करेगी नहीं, इन्हें पता है कि एट सम स्टेज इन ये तीनों खिलाड़ी कभी ना कभी चलेंगे, और जिस दिन चलेंगे ये तीनों इतने केपेबल है कि अकेले के दम पे ये मैच जिता सकते हैं। अभी तो आई थिंक रोहित शर्मा और ईशान किशन का बल्ला भी इतना नहीं चला है, तो वो भी एक है कि कभी ना कभी तो रन करेंगे, जिस दिन रन करेंगे उस दिन मुंबई जीती जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने भी थोड़ा निराश ही किया अभी तक, मतलब उस तरीके से एक नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा और कुछ अपनी बात आगे करना चाहूंगा। मुंबई के मेरे हिसाब से मुंबई की जो स्ट्रेंथ है वो ये है उनका कोर। आप देखना पिछले 5 या 6 साल से आप उनके 6 खिलाड़ी ऐसे निकाल सकते हैं कम से कम जो पिछले 6 साल से लगातार खेल रहे हैं उनके लिए। दोनों पांड्या ब्रदर्स, पोलार्ड, रोहित शर्मा, बुमराह, इससे पहले मलिंगा जी थे वो इस बार निकल गए, तो उनका कोर, उनका जो टीम की जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही रखते हैं। उसके अलग अलग आजू बाजू वो लोग 3 या 4 खिलाड़ी और नए खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी जो सेंटर जो स्ट्रेंथ है वो सेम रखते हैं, वो चेंजेस नहीं करते हैं, अपने खिलाड़ी फेंकते नहीं है। यहाँ ये नहीं होगा कभी भी, आप ये नहीं देखोगे कि एकदम से 4 टीम में 4 बदलाव कर दिए या 5 बदलाव कर दिए, वो नहीं होगा। वो एक पूरे सीजन 14-15 खिलाड़ी यूज करते हैं, इन्हें पता है इन्हें क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस ऑन प्लेयर्स, और प्लेयर्स आज नहीं तो कल परफॉर्म कर देंगे। आई थिंक मुंबई आज नहीं तो कल मुझे लगता है काफी इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। वो एक फेज आएगा जहां लगातार ये 4-5 मैच जीतेंगे जब सब चीजें क्लिक हो जाएंगी। एंड मतलब लेकिन अभी आप ये भी देखिए ना, सॉरी हमने बात करी मिडिल ऑर्डर की, एक इंटरेस्टिंग चीज वो जसप्रीत बुमराह, उनको हमने मिस कर दिया है। वो दोनों जो नो बॉल डाली है उन्होंने 19th ओवर में, ये एक बड़ी खराब आदत थी बुमराह की। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद होगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट बेन स्टोक्स को नो बॉल भी डाली थी एक ओडीआई सीरीज में, वो बुरी आदत वापस आ रही है। बुमराह जब एक नए रूप में एक नई पारी शुरू करके दोबारा से क्रिकेट में एंट्री मारी है शादी के बाद, तो लग रहा है कुछ चल नहीं रहा उनका। सूरज क्या लगता है, इंजरी से भी आया ना, अभी बैक की इंजरी थी, फास्ट बॉलर को बैक इंजरी हो जाती है तो काफी कॉशियस हो जाता है एक फास्ट बॉलर। धीरे धीरे शायद होप करते हैं कि लाइन पकड़ेंगे अपनी। कॉशियस हो गए तो 2 कदम पीछे से बॉल डाल दो ना, आगे क्यों जा रहे हो लाइन के। देखिए मुंबई की एक तारीफ है, मेरा ये मानना है कि एक टाइम पे रिकी पोंटिंग वाली जो ऑस्ट्रेलिया टीम हुआ करती थी,
कि अगर आपको लास्ट के 3 ओवर में 15 रन चाहिए, हाथ में सिर्फ 3 विकेट है, तो भरोसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से आप जीत पाओगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई ने अपना ये करिश्मा तो सेट कर लिया है। अब उस दिन देखिए क्या कहते हैं, अगर बुमराह वो 2 नो बॉल ना डालते तो ललित यादव और हेटमायर दोनों को आउट कर चुके थे वो 1 ओवर में। बिल्कुल बिल्कुल मैच में, और फिर लास्ट में बोल्ट के लिए बचाने के लिए 10-12 रन वो छोड़ देते तो कुछ भी हो सकता था वहां से भी। बोल्ट नहीं बचे थे उस दिन, पोलार्ड ने बॉल डाला था लास्ट में। अच्छा, लेकिन एक बॉलर था उनके पास कोई, शायद सूरज बाबू से मैं फटाफट जानना चाहूंगा। मुंबई को लेकर क्या क्या टेक है अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा मुंबई का? 2-3 कंसर्न है उनके। देखिए मिडिल ऑर्डर पे हमने बात करी ली, इनका एक भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चल नहीं रहा। उसके बाद आपके बुमराह आपको विकेट नहीं दे रहे, और नो बॉल्स की जहां तक बात है तो श्री संत का करियर खत्म होने से कुछ महीने पहले इन्होंने शुरू किया था अपना आईपीएल करियर, और श्री संत से ज्यादा नो बॉल फेंक चुके हैं अपने आईपीएल करियर में। तो ये एक कॉन्स्टेंट टेंशन रही है, हम भले अभी इस पे बात कर रहे हैं लेकिन ये लगातार अहम मोमेंट्स पर अक्सर इनसे भावनाओं में बह जाते हैं, नो बॉल हो जाती है। तो और जब तक ये विकेट नहीं लेंगे तब तक मुश्किल बनी रहेगी, क्योंकि बोल्ट ने 1-2 मैच में अच्छा करा लेकिन अगर उनको दूसरे एंड से हेल्प नहीं मिलेगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। और आपको ये भी देखना होगा कि कृणाल पंड्या ना बैट चल रहा है उनका, ना उनकी बॉल चल रही है। राहुल चाहर पे आप उतना रिलाई नहीं कर सकते कि हर मैच में आपको विकेट देगा, इकोनॉमी उसकी अच्छी रहेगी ये पक्की बात है, 27-28-30 से ज्यादा रन नहीं देगा। लेकिन हर मैच में अगर आप इस भरोसे कि राहुल चाहर आपको 4 विकेट निकाल के दे दे, 3 विकेट निकाल के दे दे, आप मैच जीत दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो बॉलिंग में भी थोड़े कंसर्न है, मिडिल ऑर्डर की दिक्कत है, और रोहित शर्मा जिस तरह से जमने के बाद लालच में आउट हुए पिछले मैच में, हमने देखा दिल्ली के खिलाफ अमित मिश्रा को जबरदस्ती लपेटने की कोशिश करी, वो चाहते थे उस गेंद को इनसाइड आउट जाके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने जब मूड बना लिया तो उछाल दिया फील्डर होने के बाद भी। तो ये भी देखना होगा कि रोहित शर्मा जैसा बड़ा बल्लेबाज अगर इतनी गेंदे खेल गया, 25-30 गेंदे खेल गया है, तो उसको अब ये सोचना चाहिए कि कम से कम 15 ओवर तक तो मैं बैटिंग करूंगी। तो रोहित शर्मा को लेकर भी थोड़ी दिक्कत है। क्विंटन डिकॉक का तो खैर आदत रही है, वो आते हैं मारते हैं, चला तो चला नहीं तो आउट हो गए। और उसके बाद आपके ईशान किशन के साथ फिर वही पिछले सीन की दिक्कत आ रही है, बल्ला फंस रहा है उनका, कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो, लेकिन एक बार लय में आ जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पर जैसा कि सभी ने कहा, मैं सहमत हूँ, तो मुंबई एक अच्छी फोर्स साबित होगी हमारे लिए फाइनल में, हमारे मतलब आरसीबी। दोस्तों अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात होगी उन 4 टीमों की जो पॉइंट्स टेबल में नीचे के 4 पायदानों पे हैं। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर, खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है, ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं आईपीएल स्पेशल पॉडकास्ट जिसका नाम है आईपीएल की टेंटें सीजन 2, और ये है उसका 3रा एपिसोड। अच्छा, मुंबई को लेकर मेरा एक सवाल है कि पीयूष चावला क्यों नहीं खिला रहे लोग? यार सिमिलर से हो जाता है ना, दोनों लेग स्पिनर हैं, राहुल चाहर भी लेग स्पिनर हैं, पीयूष चावला भी लेग स्पिनर हैं, और मुंबई का जो आप देखोगे अगर तो एक जो एक फिक्स फॉर्मेट है, जसप्रीत बुमराह और 2 फॉरेन फास्ट बॉलर्स, ट्रेंट बोल्ट प्लस किसी को भी वो खिलाते रहते हैं, साथ में राहुल चाहर और कृणाल पांड्या, और एक उनके पास दिल्ली कैपिटल्स स्पेशलिस्ट है जयंत यादव, तो जब भी दिल्ली के साथ मैच होता है तो उसमें वो जयंत यादव को खिला देते हैं, बाकी उसके अलावा वो छेड़छाड़ करते नहीं। आई थिंक अभी उनकी जो स्ट्रगल है वो 3रा फास्ट बॉलर ढूंढने की है। पिछले साल भी वो थोड़ा ट्राई करते रहे कूटल नायल और ये जेम्स पैटिनसन के बीच में, और इस बार भी वो एडम मिलने भी खेल चुके हैं, मार्को जैनसन भी खेल चुके हैं, कूटल नायल अभी तक खेले नहीं है, शायद उनको भी मौका मिलेगा। वो अगर पकड़ में आ गया तो आई थिंक यही रहेगा पीयूष चावला को, अनलेस आप कोई बहुत ही स्लो ट्रैक मिले। अब तो चेन्नई में भी उनके शायद मैचेस खत्म हो गए हैं शायद, तो यहाँ नहीं खेला तो मुझे लगता नहीं है कि अनलेस राहुल चाहर को इंजरी हो पीयूष चावला देखने को मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। हाँ वही, जब कोई मुश्किल घड़ी आएगी तभी पीयूष चावला दिखेंगे, वरना पीयूष चावला के लिए तो मौका नजर नहीं आ रहा इस बार। पर बहुत मतलब अच्छा बैकअप है, अगर आप देखोगे ना स्क्वाड के नजरिए से तो इन्होंने यही है, स्मार्ट पिक्स करते हैं ये लोग, अगर कल को राहुल चाहर की इंजरी होती है तो आपका अगर आईपीएल का मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर्स उसको अगर रिप्लेस करता है तो मतलब आप कितने अच्छे पोजिशन में, और हमने अमित मिश्रा को देखा कि उम्र कितनी भी हो जाए स्किल जो है
वो बरकरार रहता है। और मैं पीयूष चावला का एक बात सबको याद दिला दूं, उम्र मैंने खैर कह दिया अभी ऐसे ही, लेकिन विराट कोहली से छोटे हैं उम्र में पीयूष चावला। स्टिल क्वाइट यंग लगता है, कब से खेल रहे हैं, पर विराट कोहली से छोटे हैं। जहीर खान के साथ अक्सर पाए जाते हैं डगआउट में बैठे हुए। थोड़े दिनों बाद वो बन जाएंगे, वो वहां पे स्काउट या मेंटोर या कुछ तो बन जाएंगे वो भी। हाँ, नहीं, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, तो वहां पर राहुल चाहर तो उनसे कहीं बेहतर दिख रहे हैं, तो शायद उस तक वहां तक बात नहीं पहुंच रही कि पीयूष चावला को मौका दिया जाए। और यार आप ये सोचो कि जैसे कुछ खिलाड़ी हैं इस आईपीएल में, हरभजन सिंह है, स्टीव स्मिथ है, पीयूष चावला है, इनका रोल ना सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं है। आप ये मान लो कि आपने जैसे स्टीव स्मिथ को दिल्ली ने 2 करोड़ में खरीदा है, 2 करोड़ में आपने एक बैट्समैन कम बैटिंग कोच खरीद लिया है जो थोड़ा थोड़ा यंगस्टर्स को कुछ कुछ समझाता रहेगा, वो उसको देख के कुछ चीजें सीखेंगे। सेम पीयूष चावला का है, वो कितनी चीजें सिखा सकते हैं राहुल चहर को, जयंत यादव, अनुकूल रॉय, हरभजन सिंह वहां केकेआर में जब वरुण चक्रवर्ती के साथ काम करेंगे, कुलदीप यादव के साथ, ये लोग बहुत चीजें सीख सकते हैं इन प्लेयर्स से, जब टीम उस नजरिए से भी देखती है इन सीनियर खिलाड़ियों को। अभी तक ना हम लोग बात कर रहे थे जो 4 टीमों की, वो पॉइंट टेबल में ऊपर हैं, ऊपर से 4 हैं, जो टेबल के मतलब जो नीचे वाला पायदान है ना 4, उस पे जो 4 टीमें हैं उस पे बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि कमोबेश उनकी स्थिति एक ही जैसी है, एक एक मैच जीता हुआ है, और सनराइजर्स हैदराबाद फाइनली इन्होंने बोहनी कर ली है जीत की मनीष पांडे को बाहर निकाल के, तो क्या यहाँ से देख सकते हैं इनका काया पलट थोड़ा हो सकता है। कमाल की बात है कि आपका टॉप स्कोर को बाहर निकालना पड़ा तब जीते हो। इसका दूसरा एंगल ये कि आपने विलियमसन खिलाया इसलिए भी आप जीते हो। ये सही कहा, आपके लिए जगह बनानी पड़ेगी आपको। लेकिन उस मतलब ये हम कह रहे हैं, लेकिन उस मैच में विलियमसन के लिए करने के लिए ज्यादा कुछ बचा था नहीं, मतलब वो 18 रन नॉट आउट ठीक है, वो कोई भी कर लेता वाला टाइप था, लेकिन वही वाली बात है खिलाना जरूरी है। जिस तरह आपने स्टीव स्मिथ का नाम लिया, पीयूष चावला का नाम लिया, कि ये बैट्समैन से बढ़ के भी बहुत कुछ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विलियमसन तो अपने आप में एक बेहतरीन कप्तान है, बेहतरीन बल्लेबाज है, तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं दूसरे बल्लेबाजों को, बहुत कुछ दे सकते हैं परफॉर्म ना करते हुए भी। और जो पॉजिटिविटी टीम में आती है, एक भरोसा आता है कि नहीं अगर हम 30 पे रन पे भी 4 आउट हो गए हैं, विलियमसन खड़े हैं, तो शायद हमको 125 30 50 तक ले जाएंगे। बिल्कुल, और विलियमसन हमेशा वो लीडरशिप ग्रुप के पार्ट रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, लेकिन एसआरएच की जो बॉलिंग है उसमें एक झटका भी उन्हें लगा है, नटराजन बाहर हो गए, उनके जगह पे खलील अहमद आए हैं और उन्होंने अच्छी ही गेंदबाजी की अब तक, तो दिक्कत कहाँ लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद की, दिक्कत कहाँ है, मध्यक्रम में है, ओपनिंग में है या गेंदबाजी में है, मिडिल ऑर्डर ही है आई थिंक। देखिए मध्यक्रम में तो पिछले 4-5 साल से उनकी, हाँ मध्यक्रम में उनकी दिक्कत हर साल रहती है, और हर साल कोई मध्यक्रम में ऐसा बल्लेबाज वो खरीदते ही नहीं है ऑक्शन में। उन्हें पिछले 4-5 साल से यही दिक्कत रही है कि वो विलियमसन के लिए जगह ही नहीं बना पाते हैं स्टार्टिंग के 4-5 मैच में। बेस्टो को निकाल नहीं सकते, वार्नर को निकाल नहीं सकते, राशिद खान को निकाल नहीं सकते, चौथा वो या तो नबी खिलाते हैं या फिर खिलाते हैं होल्डर, तो विलियमसन के लिए वो जगह बना नहीं पाते। नबी को 4 साल में 12 मैच खिलाया उन्होंने, नबी को मौका नहीं मिला है, कभी होल्डर कभी नबी कभी होल्डर। अच्छा एक ये मैंने प्रीव्यू जो हम लोगों ने एपिसोड किया था केशव, तो आपको याद होगा एक मैंने सोल्यूशन दिया था इसका कि केदार जाधव को मिडिल ऑर्डर में आप लेकर आओ, और ये फाइनली आप लेकर आए हैं। बिल्कुल, और मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक वो पिछला उनका एक सीजन खराब इतना हो गया, और हमने उनके इतने मीम बना दिए, इतना उनको बेचारे को ट्रोल कर दिया, बट अगर आप उनका इंडिया रिकॉर्ड देखोगे बहुत कमाल का रिकॉर्ड है, 42 या 43 का एवरेज है, 101 या 102 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग एट नंबर 6 और 7, सो और एक्सपीरियंस है इन कंडीशन में खेलने के, जिस तरह के मैचेज एसआरएच इनफैक्ट हारी है वो 140-150 चेस करते हुए, अगर शायद ज्यादा होते वो हारते नहीं, और आई थिंक ये एक थोड़ा सा एक यू नो एक डिफरेंस लेकर आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। नाउ आपके पास ऊपर 1-2-3 में जॉनी बेस्ट और डेविड वॉर्नर, तो आई थिंक बेस्ट ओपनिंग पेयर है आपके पास, देन यू हैव विलियमसन। नहीं यही ये मानस गलती इनसे यही हुई जब शुरुआत में ही टूर्नामेंट के उन्होंने शाह के साथ उतरने का फैसला किया और बैरिस्टो को बाद में भेजा, और शुरुआत खराब हुई और वहीं से टीम लड़खड़ाई, लेकिन जैसे ही फिर शाह को वापस भेजा, बैरिस्टो को वापस वॉर्नर के साथ किया, तो टीम में थोड़ी सी पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति मिली। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना होगा आप लोग अगर कहना चाहें एक बार में बताएं कि सनराइजर्स को अगर कंपटीशन में बने रहना है, डेविड वॉर्नर को आक्रामक खेलना पड़ेगा, वो ये सोच के नहीं खेल सकते कि मुझे 15 ओवर तक आउट होना है। हाँ ये भी है, अगर मुझे याद नहीं आता डेविड वॉर्नर ने अकेले था
एसआरएच को कब पिछला मैच जिताया था? सूरज बाबू पिछले साल एक सेंचुरी मारे थी उन्होंने टुवर्ड्स द एंड, आखिरी के दो तीन मैच थे जहां वो खुल के खेले थे एकदम, जब बेस्टो बाहर गए थे और साहा ने ओपन किया था अगर याद हो तो, साहा और बोर्ना ने एक मैच में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, साहा ने 84 मारे थे 84 86। प्रॉब्लम ये है ना कि वार्नर अगर जैसे ही मारने जाते हैं, उन्होंने देखा है कि पहले दो मैचों में क्या हुआ, एक मैच अगर इनफैक्ट आप लोग को याद होगा अभी इसी में शायद दूसरा मैच था हैदराबाद का, तीसरा था मुझे याद नहीं है, वार्नर और बेयरस्टो ने बहुत जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की थी 70-80 रन पे शायद पहला विकेट आउट हुआ था, तब भी वो मैच हार गए थे वहां से 30 पे 31 चाहिए थे, मनीष पांडे खेल रहे थे, डेविड वार्नर रन आउट हो गए थे उस मैच में। तो जब यार ये मतलब ना देखते है ना, जब आप ऐसी चीजें देखते हो कि आपकी टीम के साथ हो रहा था, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता तो है ही, और उन्होंने उस मैच के बाद कहा भी था कि मतलब मेरे को शायद लास्ट तक खेलना चाहिए था तो हम जीत जाते, अब इसीलिए मनीष पांडे को बाहर निकाल दिया उस मैच के बाद। ये कहना पड़ेगा कि अब्दुल समद जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मौके मिल रहे थे उस मौके को उसने गवाया, अभिषेक शर्मा को ले आया, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो ये खिलाड़ी अगर इसका लाभ उठा पाए तो कुल मिलाकर के मध्यक्रम इनको संभालना पड़ेगा, तभी जाकर के सनराइजर्स के लिए फायदा है, वरना शुरुआत इनकी अच्छी होगी जब तक वार्नर बेयरस्टो साथ हैं, विलियमसन को उन्होंने शामिल कर लिया है, मध्यक्रम इनका सही मिल हो जाए तो फिर अच्छा। देखिए मध्यक्रम में आपके तीन या चार खिलाड़ी अनएक्सपीरियंस नहीं हो सकते, आपको एक या दो खिलाड़ी मध्यक्रम में एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा, अभी आपके विजय शंकर खेलते हैं उसमें, फिर कभी आपका विराट सिंह खेलते हैं उसमें, अभिषेक शर्मा खेलते हैं, समद खेलते हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं है यार। प्रवीण एक बात बोलूंगा कि अगर आप विजय शंकर को तो आपको एक्सपीरियंस प्लेयर में गिनना पड़ेगा ना, थ्रीडी प्लेयर है वो वर्ल्ड कप खेल के आए थे इंडिया के लिए यार, वो केदार जाधव वर्ल्ड कप खेले इंडिया के लिए, आप इनको मनीष पांडे केदार जाधव और विजय शंकर को अगर हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं गिनेंगे तो फिर किसे गिनेंगे, मतलब ये तो मतलब इनसे आंसर मांगना चाहिए कि आप क्या करके दे रहे हैं, आपने कितने मैच जिताए हैं पिछले दो साल में, विजय शंकर ने कितने मैच जिताए हैदराबाद को दो तीन साल में पिछले, कुछ नहीं, कुछ संजय मांगरेकर को लेकर के आ रहे थे, हाँ कुछ कह रहे थे कुछ नहीं, मतलब देखिए अगर आप ये लगातार करें चार युवा क्यों नहीं खिला सकते आप, अगर उन चार युवाओं को मौके मिलेंगे तो ही वो आगे चल के बड़े बैट्समैन होंगे ना, कभी विराट कोहली रोहित शर्मा भी अनकैप्ड थे उन पे भरोसा जताया गया, लेकिन दिक्कत ये मेरी जो समझ में आता है कि एसआरएच अगर चाहे तो इंग्लैंड मॉडल अपना सकती है, बटलर को चार पे फेंको, ओपन कराओ प्रियम गर्ग और डेविड वार्नर से, प्रियम गर्ग को दे दो छूट जातुमार और डेविड वार्नर एक एंड से खेलते रहे, नंबर तीन पे आपका विलियमसन है, चार पे अगर बेयरस्टो आएगा तो मुझे लगता है कि 180-190 तक की चेज भी वो बंदा फिनिश करके जाएगा। इसमें मतलब एक इनके साथ दिक्कत ये हो गई है ना सूरज की, इन्होंने कोशिश करी है सारे, इन्होंने प्रियम गर्ग को पिछले साल ऑलमोस्ट सारे मैच खिलाए थे, अभिषेक शर्मा को दो साल से मौका दे रहे हैं, बीच में खिलाए थे मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में मिले काफी मौके, अब्दुल समाद को भी इन्होंने मौके दिए, मतलब ये लोग वही है कि 20-25 वाले रन करके चले गए, इनमें से कोई भी ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया कि मतलब मैच खत्म करके जाए, सो अब इनके पास कोई ऑप्शन, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे मैं मुझे समझ आती है क्योंकि इनके साथ दूसरे एंड पे आप जब देखोगे तो अगर अब्दुल समद के साथ प्रेम कर खेल रहे हैं तो वो क्या बताएगा उसको, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बेयरस्टो नंबर चार पे आए तो वो निश्चित तौर पे हेल्प कर सकता है, और साथ ग्रूम भी होंगे ये लड़के, अगर ये लड़के ग्रूम होंगे तो काफी फायदा है सारे का ही होगा। नहीं वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना है ना कि शुरुआत ही आपकी खराब हो गई, और जब मानी हुई जोड़ी बेयरस्टो और वार्नर की आपके साथ तो आप उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे, फिर मैं को यार इनका ना एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर ये किसी तरह से, लेकिन वो ये कि वो कैसे करेंगे वो पॉसिबल नहीं, अगर मोहम्मद नबी कहीं मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं तो वो आपको चार ओवर भी देते हैं, प्लस वो आपको एक मैच फिनिशर, एक बोनिफाइड मैच फिनिशर है दुनिया में, जहां भी इतने लीग खेलते हैं बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, अब प्रॉब्लम ये एग्जैक्टली, तो ये सब दिक्कत ना इनकी, जो दो सीनियर इंडियन प्लेयर्स हैं रिद्धिमान साहा और मनीष पांडे, क्योंकि इनके रन नहीं हुए हैं, इन्होंने मैच नहीं जिताए हैं, इसलिए ये सारे कॉम्बिनेशन के चक्करों में ये फंस गए हैं, आइडियली आप एक्सपेक्ट करते कि अगर वो दोनों ऊपर चल जाते तो ये नीचे की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती। इस टीम में हो सकता है मैं जीत हासिल थोड़ा हार्श लगूं, लेकिन साहा की जगह नहीं बनती इस टीम में, मुझे एकदम श्योर लगता है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है मौके देने किसी यंग इंडियन को दीजिए, क्योंकि आपके पास फॉरनर का तो ऑप्शन ही नहीं है, किसी यंग इंडियन को लाइए वो आगे चल के आपके काम आएगा, साहा 37-38 साल के हो चुके, देखिए फिटनेस हर किसी के बस की नहीं है कि 38
या 37 की उम्र में फिटनेस लगातार बरकरार रख पाना, तो साहा एक से दो सीजन आपको दे सकते हैं, तो अब तो इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। साहा अब तो बाहर ही है, साहा का अब वापस आना मुश्किल लग रहा है। अब कुल मिलाकर पिछले सीजन भी ऐसा ही कुछ हुआ था और लास्ट में वापस आ गए थे साहा और एक अच्छी इनिंग खेल दी, एक सीजन सेट हो गया। जो मैच शुरुआती बल्कि एक मैच जीतना चाह रही थी वो की उम्मीद पूरी हुई, अब ये टीम एक मैच जीत चुकी है और आगे करेगी ये मान के। अब हैदराबाद से बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। कोलकाता नाइट राइडर्स एक से एक बड़े एकदम पैक्ड प्लेयर्स हैं, एकदम छक्के उड़ाने वाले, और नतीजा तो वही ढाक के तीन पात है, मतलब तीन हार भी हो गई अब तक टूर्नामेंट में, तो कहां गलती हो रही है कोलकाता से? कोलकाता से गलती आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलूंगा कप्तानी से ही शुरुआत कर लेते हैं। कप्तान जो उन्होंने पिछले साल बड़ी उम्मीदों से बदले थे, सारी उम्मीदें जो है वो अब टूटती हुई दिख रही है, और मॉर्गन के ऊपर बहुत प्रेशर होगा इस समय एज अ कैप्टन एज अ बैट्समैन, क्योंकि आप चाहते हो एज अ कैप्टन यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वो नहीं हुआ है इस बार। बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, रन उनके बिल्कुल लगे नहीं है, कप्तानी में थोड़े से लॉस्ट लग रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस उतने प्रोएक्टिवली कर नहीं रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं टीम में भी अब ना वो कोई जैसे जिस तरह से पिछले मैच में आंद्रे रसल ने बल्लेबाजी करी और जब वो आउट होके अलग जाके बैठे रहे गुस्से में, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि टीम में भी कुछ दिक्कतें हैं। मतलब बाकी लोग भी जो है थोड़ा सा वो एनॉय हो रहे हैं, सुनील नारायण को आपने तीन मैच नहीं खेला है, तो वो भी ऐसे प्लेयर नहीं है जो बाहर बड़ा खुशी खुशी बैठेंगे, वो भी बहुत अलग तरह के प्लेयर हैं, तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं। और इनके साथ बिल्कुल उल्टा है, जो हैदराबाद की हम बात कर रहे थे कि इंडियन टैलेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ ऊपर के टॉप तीन में रन करें, चलो शुभमन गिल ने फिर भी नहीं करे, बट आपके नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी ने दोनों ने ठीक ठाक कुछ इनिंग्स खेली है, बट आपका जो इंटरनेशनल टैलेंट है चाहे वो दिनेश कार्तिक, मॉर्गन, आंद्रे रसल, शाकिब उल हसन, सुनील नारायण, इन लोगों के बैट से रन नहीं आए। और आई थिंक शाकिब का तो उन्होंने इस्तेमाल भी बहुत ही खराब करा है, 7 नंबर पे शाकिब उल हसन का बल्लेबाजी करा रहे हो तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उनसे। तो जिस दिक्कत की आप बात कर रहे थे वो पिछले साल से है, पिछले साल भी इनको इन्होंने दिनेश कार्तिक को हटा के कप्तान चेंज किया, बातें बाहर आई कि रसल भी चाहते हैं कि वो दिनेश कार्तिक से पहले बैटिंग करने जाएं ऊपर, तो दिक्कतें इनकी टीम में पहले से चल रही हैं काफी, और मुझे लगता है कि ये रसल पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, इनको लगता है कि रसल ही मैच जिता के देगा इनको, ज्यादातर मिडल ऑर्डर में आएंगे चाहे 20 पे 60 चाहिए 20 पे 80 चाहिए रसल बना देंगे, लेकिन जो हुआ भी 2-3 साल से पहले ना, मैं वही कहना वाला था कि रसल का भी है ना 2 साल के बाद जाके एक ऐसा मैच दिखा है मुझे जहां पर सामने वाली टीम डर रही थी रसल से, थोड़ा थोड़ा ना वो खौफ खत्म होने लगा था बीच में, ये बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि फील्डर भी मतलब डर रहा है कि भाई बाहर खड़ा हो जाऊंगा बॉल मत मारियो मेरी तरफ, ये बहुत टाइम के बाद हुआ है, तो वो रसल भी कहीं आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं बीच में, वो एक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज आंद्रे रसल ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप मतलब रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते आप, तो वो यहाँ पे थोड़ा मैं विश्वमान जी से जानना चाहूंगा कि आंद्रे रसल की बात हो रही है तो रसल पिछले मैच में जरूर पुराने वाले रसल दिखे, लेकिन उससे ठीक पहले वाले मैच में जहां वो डाला जा रहा, बिल्कुल हाँ रसल जो है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से पिछला टूर्नामेंट देख लीजिए, इस बार वाला टूर्नामेंट देखिए, बल्ले से तो नहीं लेकिन गेंद से हाँ 5 विकेट बल्कि वो निकाल करके दिखा दिए, लेकिन इतना वो जाने जाते हैं वो नहीं कुछ यहाँ चल पा रहा है इनका, और पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत तेज तर्रार बल्लेबाजी, 31 रन पर 5 विकेट गिर जाना, उसके बाद जो ताबड़तोड़ उनकी बल्लेबाजी थी, तो निश्चित रूप से ये असंतुलन कहाँ पैदा हो रहा है, असंतुलन पैदा हो रहा है इयान मॉर्गन को लेकर, तो मॉर्गन जहाँ उनको संभालना चाहिए उनकी काबिलियत वर्ल्ड चैंपियन कप्तान का दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा। तो मानस ने बताया ये बात कि मॉर्गन को बड़ी उम्मीदों से कप्तान बनाया था, पिछला सीजन हमने देखा कैसे दिनेश कार्तिक बीच सीजन में हट गए थे और मॉर्गन आए, लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं बदलता दिख रहा है। मैं सूरज से जानना चाहूंगा कि मैकलम कोच हैं केकेआर के, और वही मैकलम कैरेबियन प्रीमियर लीग में जो कोचिंग करते हैं पोलाइट की टीम के कोच हैं, वहाँ उसका परफॉर्मेंस टीम का बहुत अच्छा रहा, और क्यों यहाँ मैकलम मतलब उस तरीके से दिख नहीं रहे, मतलब जो प्रॉब्लम है केकेआर की वो बनी हुई है, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत वही जिसपे लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कैप्टन जो इनका है, कैप्टन बीच बीच में ब्रेन फेड मूवमेंट आ जाते हैं इनके जो भी कैप्टन होता है पिछले 2 सीजन से ऑलमोस्ट, और देखिए नीतीश राणा अच्छे हैं आपके हिट करते हैं, लेकिन नीतीश राणा भी शुरू में फंसते हैं, आपके शुभमन गिल का स्ट्राइक अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है ओपनर्स में सबसे खराब 3-4 जो नाम है उनमें होगा स्ट्राइक रेट, और उसके बाद नंबर 3 पर आप राहुल त्रिपाठी को उतारे, राहुल त्रिपाठी इकलौता इस टीम का बंदा है जो सेल्फ प्लेस खेलता है, जो सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए खेलता है,
वो जब भी आएगा वो कोशिश यही करता है कि स्ट्राइक रेट 160 से नीचे ना रहे मेरा, तो इससे काफी हेल्प मिलती है। उससे ओपन ना करा के केकेआर अपना नुकसान कर रही है। और दूसरी बात, बॉलिंग में भी इनके कंसर्न लगातार बने हुए। पैट कमिंस ने उत्ते रन मारे, सबने बड़ी तारीफें की, मेमे चलने लगे, सॉरी मैं मेमे ही कहता हूँ, मेमे चलने लगे कि हाँ 16.5 करोड़ है तो ये क्या वो क्या। लेकिन भाई उसका पहला काम बॉल से विकेट निकाल के देना, तो 4 ओवर में 58 रन, 50 रन, 48 रन ऐसे अगर दे रहा है और आपके पास चेज करने के लिए आपके ओपनर आपके शुभमन गिल आते हैं जो अगर मारने कोशिश करते हैं तो आउट हो जाते हैं, और रुकते हैं तो नुकसान कर जाते हैं। मॉर्गन का बल्ला चल नहीं रहा, द्रेरस से आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो हर मैच में 40 देगा। वो एक बार खड़ा होगा 20 पे 60 दे के चला जाएगा, वो सही है उसका, लेकिन हर मैच में नहीं दे पाएगा। और पिछले सीजन उस बंदे ने कहा था कि भाई मुझे खेलने के लिए ज्यादा गेंदे चाहिए। निश्चित तौर पर वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आना चाहता है, आप उसको आने नहीं दे रहे। उससे पहले आप डीके को भेज रहे हो, डीके जो मुझे लगता है हर एक पूर्णमासी में एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, पूरा करियर उनका यही रहा है। पिछले मैच में अच्छा खेला, आप देखिए अगले 4 मैच डीके नहीं चलेंगे, उसके बाद आपकी इतनी तमाम दिक्कतें हैं। और प्लस आप जब मॉर्गन को कैप्टन बनाते तो एक फॉरेन कोटा वो बंदा लेके बैठ जाता है, तो ये एक फॉरेन आपको कम हो जाता है। बॉलर्स की भी दिक्कत है ना, इन्होंने जो बड़े वही बिल्कुल खरीदा था शिवम मावी, नागरकोटी, इतनी हाइप बनाई थी इन बॉलर्स की, प्रसिद्ध कृष्णा, वो प्रॉमिस जो है वो कन्वर्ट हुआ नहीं परफॉर्मेंस में। आई थिंक ये इनको ये लोकी फर्ग्यूसन, इनके पास एक फास्ट बॉलर है जो पिछले साल बहुत अच्छा खेले थे, एक मैच उन्होंने शायद 4 या 5 के लिए सुपर और मैच जिताया था इनको। सो आई थिंक इनको लोकी फर्ग्यूसन को लेके आना चाहिए सुनील नरेन की जगह। वो एक स्लॉट आप अननेसेसरीली वेस्ट कर रहे हो, बैटिंग आपके पास बहुत है, पैट कमिंस ने भी दिखा दिया वही बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करो लोकी फर्ग्यूसन के साथ। देखिए बिल्कुल ये किया जा सकता है, टॉप 15 विकेट टेकर्स में इस साल केकेआर का सिर्फ एक बॉलर है, वो भी कौन, एंड्रे रसल 7 विकेट के साथ, उसके अलावा कोई बॉलर ही नहीं है इनका टॉप 15 में। तो असली दिक्कत इनकी यहाँ पे, प्रसिद्ध कृष्णा विकेट नहीं ले पा रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती विकेट नहीं ले पा रहे हैं, आंद्रे हरभजन सिंह को वो लास्ट में राउंड द विकेट आके आपको ऑफ स्टंप के बाहर डालेंगे। एक मैच में 5 विकेट ले गए, अगले मैच में तो एबी डिविलियर्स ने धुलाई करी, 2 ओवर में 35 रन मार दिए, तो जैसे क्वालिटी में कह रहा हूं पकड़ लेगा। मैं भी वही कह रहा हूँ कि टॉप 15 में आपका सिर्फ एक ही बॉलर है, वो भी रसल, तुक्के लग गया उसका, वरना वो भी नहीं होता। तो कंसर्न इनका बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में है। ठीक है, बाकी जो दो टीमें बची हुई है उस पे चलते हैं। पंजाब किंग्स, नाम तो बदला लेकिन रिजल्ट तो वही है, काम नहीं बदले। इनके यार देखिए, पंजाब के साथ सबसे बड़ी समस्या उनका कैप्टन और ओपनर। मैं एकदम, मुझे लगता है कई बार मैं हार्श हो जाता हूँ, लेकिन केएल राहुल की बैटिंग आप जब देखेंगे, आप 51 गेंदे खेलकर 61 रन बना रहे हो जबकि हर दूसरा बैट्समैन आके मार रहा है, तो ये मतलब क्रिमिनल है, सीधे तौर पर क्रिमिनल है। आप 51 गेंदे खेल रहे हो और 61 रन बना रहे हो जिसमें से आपने 20 डॉट बॉल्स के लिए, उन 20 बॉल्स पर सिंगल भी आए होते, 10 पे आए होते तो भी 10 रन बढ़ते होते और साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता, आपके पास कैपेबिलिटी है, आप हिट कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे, तो ये सबसे बड़ी समस्या पंजाब की है। ठीक बात, मुझे वो मीम याद आ गया ना, नसीरुद्दीन शाह वाला गुनाह है ये, तो बस वही है। तो इस उन ऐसी स्थिति भी नहीं थी, आपके मयंक अग्रवाल खेल रहे ताबड़तोड़, आपके विकेट सारे बचे हुए, फिर पता नहीं क्यों केएल राहुल इतना ओवर डिफेंसिव अप्रोच अपना रखा था उन्होंने। ये साफ दिख रहा है कप्तानी का दबाव, कप्तानी का जो प्रेशर वो देख रहे हैं जिस तरह से, और पिछले सीजन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और टीम को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। वो रन तो देखो शायद इस साल भी सबसे ज्यादा बना देंगे वो, पर बात है कि टीम मैच जिताओगे कितने, आप मैच कितने जिता पाते हो रन बना के, तो मनीष पांडे ने रन बना दिए, मैच तो नहीं थी ना टीम। और केएल राहुल एज अ बैट्समैन तो फिर भी ठीक है, मैं आई एम मोर डिसअपॉइंटेड विद केएल राहुल एज द कैप्टन, इतने क्लूलेस लगते हैं वो फील्ड में, जैसे ही मतलब रन पड़ने लग जाते हैं उनको पता नहीं है किसको बॉल देनी है, कहाँ फील्ड प्लेसमेंट्स करने हैं, वो आई थिंक डिस्कशंस में लग जाते हैं, बाहर देख रहे होते हैं, तो बहुत क्लूलेस हो जाते हैं और एक तरह के शेल में चले जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, तो वो बहुत सरप्राइजिंग है। ऑल्सो इनकी साथ भी वही दिक्कत है कि बॉलिंग में इनके पास एक भी ऐसा गेंदबाज नहीं है, जैसे मुंबई के पास आपको पता है कि अगर टीम फंस गई है तो वो जसप्रीत बुमराह को बॉल दे देंगे, अगर दिल्ली फंस गई है तो रबाड़ा को ले आएगी, इनके पास एक भी ऐसा गेंदबाज नहीं जिसको ये बॉल दे सकते हैं। वो थोड़ा बहुत शमी का लगता था, वो भी पिछले मैच में सब बराबर हो गया, और बाकी आजकल इनकी टीम में अंडे खाने के बहुत शौक है लोगों को, निकोलस निकोलस पूरम के साथ तो गजब ही हो गया इस खिलाड़ी ने, जिस तरह से आपने कहा अंडे, तो वो तीन बल्कि डक, वो उसी में कह रहा था,
तो तीन डक, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्रिकेट के जो टर्म्स जानने के लिए उत्साहित रहते हैं जिन व्यक्तियों के लिए, उन्होंने उस परिभाषा को दिखा दिया कि गोल्डन डक क्या होता है, सिल्वर डक क्या होता है, डायमंड डक क्या होता है, तीनों डक इस बार उन्होंने दिखा दिए। दो गेंद पे आउट हो गए, एक गेंद पे आउट हो गए, बिना गेंद खेले आउट हो गए। कमाल की बात यह है, दो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रन लेने के लिए भाग रहे हैं, जिनमें से एक क्रिस गेल है और रन आउट दूसरा हुआ है जो आधी उम्र का खिलाड़ी है, वो पहुंच गए। ये जो यंगस्टर है वो रन आउट हो गया, मतलब बिल्कुल। अब तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, इनकी टीम में वर्ल्ड के नंबर वन T20 बैट्समैन बाहर बेंच पे बैठे हुए, उनको कब तक बैठा के रखेगी पंजाब बाहर? डेविड मलान को कब तक बैठाएंगे? नाम उनका पूर्ण है लेकिन पंजाब की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे। रवि बिश्नोई को उन्होंने बाहर बैठा रखा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, चार मैच हो गए, इतने विकेट लिए थे पिछले साल यार, और बाहर बैठा के रखा है खिलाड़ी। और मानस, ऐसा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुंबले ने उम्मीदें पाल ली है हमसे, और देखिए आप मुर्गन, मुर्गन कुछ कर नहीं पा रहे हैं और लगातार सक्सेना को भी खिला दिया, मुर्गन अश्विन को भी खिला दिया, मतलब रवि बिश्नोई को अभी तक एक चांस नहीं मिला, इतना बढ़िया इंप्रेसिव उनका परफॉर्मेंस था। हम लोग सब बात करते कि इंडिया खेलना चाहिए उस खिलाड़ी को, वो पंजाब की टीम में उसको जगह नहीं, हारती हुई पंजाब की टीम में उसको जगह नहीं मिल रही यार। ये बात आप आज खेलेगा, उन तक पहुंच जाए, चेन्नई में भी आ गए आज खेलेगा, अगर अब भी नहीं खेला है तो फिर तो। और वही बात है ना, वहाँ कोचिंग जो स्टाफ है उनके, अनिल कुंबले, उनसे बेहतर कौन समझेगा इन सब चीजों को यार। एक और खिलाड़ी, विराट कोहली एक और खिलाड़ी है जो मुझे लगता है अच्छा देखने को मिलेगा, जो मतलब अगेन लास्ट ईयर काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, उन्होंने फिर इस बार उसको निगलेक्ट कर दिया एकदम, क्रिस जॉर्डन। वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं आपकी, कि डेथ में बॉलिंग करते हैं और थोड़ा लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत वही हो रही है ना कि छह बैट्समैन है, पांच बॉलर है, बैट्समैन बॉल नहीं डालते, बॉलर बैटिंग नहीं करते, तो क्रिस जॉर्डन वो बीच में एक ब्रिज की तरह आ सकते हैं, तो वो शायद देखने को मिलेगा हमें। जॉर्डन की जगह तो बनती भी है, आप रिले मेरेडिथ को बाहर निकाल सकते हैं, उनकी जगह क्रिस जॉर्डन को खिला सकते हैं, आप पैसे लगा दिए हैं, वसूल लें। लेकिन मेरेडिथ को पिछले मैच में बाहर कर दिया आपने, आपने मॉइसेस हेनरिक्स को खिलाया है। तो मॉइसेस हेनरिक्स तो डांस कर रहे थे विकेट के ऊपर, उन्होंने बढ़िया डांस करके दिखाया था विकेट पे, बैटिंग कहां करी उन्होंने। अरे आप शाहरुख खान को खिलाओ पर थोड़ा सा, आप सरफराज खान, एक इंडियन बैट्समैन ले आओ यार, मनदीप सिंह ले आओ, इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन बैठा हुआ है बाहर, चेन्नई जैसे विकेट पर तो मनदीप सिंह काफी अच्छा ओपनर ही है, मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी खेल ले, चार नंबर खिला सकते हो मनदीप सिंह को, पांच सरफराज खान खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर, मतलब आप थोड़ा कुछ यार, यू विल हैव टू फाइंड अ वे। शाहरुख खान अच्छा बैटिंग कर रहा है, उनको ऊपर कर दो। एनीवे आपके पूरन ने रन करे नहीं है, मॉइसेस हेनरिक्स एकदम आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे हैं, सबसे बड़ी बात कि क्रिस गेल ओपनिंग के अलावा नहीं खेल सकते, उनको जाननी पड़ेगी। अगर विश्वास दिक्कत ही है ना, अगर आप क्रिस गेल को ओपन करा दोगे तो यार वो अब 30 यार्ड में ना सिंगल नहीं भाग सकते वो तो वहां पे ना आपके वो रन रुक जाते हैं शुरू। अरे आपके राहुल भी अगर पावर प्ले में 12 पावर प्ले में खेल रहे हैं तो क्रिस गेल क्या बुरा है? पावर प्ले में क्रिस गेल खड़े खड़े शॉट लगाए, ऊंचे लंबे गगनचुंबी शॉट खेले, हाँ रन आप क्या है। राहुल ने पिछले महीने 12 डॉट्स खेली थी पावर प्ले के अंदर, क्या बेटर कर रहे हैं क्रिस गेल से, अंत में 51 पे 61। यही समझ नहीं आ रहा ना, अगर आप क्रिस गेल को ओपनिंग नहीं कराते हैं तो आप राहुल से उम्मीद करते हैं कि क्रिस गेल वाला पार्ट वो प्ले करें, अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। अगर आपको इसी तरह खेलना है तो क्रिस गेल को साथ में ओपनिंग लेके आइए, आप खेलते रहिए आराम से, क्रिस गेल देखेंगे अपना, अगर वो खेल पाते हैं तो। लेकिन आपको अपना गेम इम्प्रूव करना, आप कैप्टन हो, गेल अगर पावर प्ले निकाल ले गया तो गेल के 70-80 रन कहीं गए नहीं है 15वें ओवर से पहले तक, उनको ओपनिंग। ये वही गलती कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में राजस्थान ने की, बेन स्टॉक्स को ओपनिंग करा के बटलर को नीचे खिलाया, फिर यही गलती हैदराबाद ने की। ये टीम मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज लिख लो, ये बहुत मुश्किल है इस टीम का अब कमबैक करना। इन्होंने पिछले मैच में जो डिसीजन लिया है ना, उससे पता चल रहा है कि कितना मतलब हड़बड़ाहट हो गई ये टीम में। दो महंगे जो खिलाड़ी थे ये जाय रिचर्डसन और राइली मेरेडिथ, 23 करोड़ में लिया है, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया इन्होंने, मॉइसेस हेनरिक्स और फैबियन एरन को खिलाया है, तो आपके जो सबसे ज्यादा प्लेयर्स पर आपने कॉन्फिडेंस दिखाया था, इतने पैसे स्पेंड किए थे, उन दोनों को आपने हटा दिया है टीम से, तो ये पैनिक बटन दब चुका है। अब इसमें आप देखना पूरे सीजन आपको बदलाव ही दिखेंगे यहाँ पे, हमें तो लग रहा है शायद माइकल वॉन की बात सही ना हो जाए, प्लेऑफ्स में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, धोनी और कोहली ना मिले,
चारों इंडियन कैप्टन पॉइंट टेबल में भी यही चार ऊपर है अभी। थोड़ा राजस्थान पे भी बात कर लेते हैं, राजस्थान धोनी के लिए मुश्किल होगा। राजस्थान के लिए बहुत मुश्किल है, खत्म फिनिश। राजस्थान की भी वही दिक्कत है भाई, अभी राइट ऑफ करना थोड़ा सा ज्यादती होगा, थोड़ा ज्यादा हम लोग खेल लेंगे, लेकिन राजस्थान में क्या अभी भी मैच कर सकती है आपको लगता है? चुके जो देना था, मैं कह रहा हूँ संजू सैमसन दे चुके जो देना था, एक मैच छोड़ के खेलेंगे। अरे आप ठीक है, आप बैटिंग मत करो यार, कप्तान तो ठीक कर लो। अरे कप्तानी मैं क्या बताऊं, मैं सो आदमी को कीपिंग करते देखता हूं तो सोचता हूं कि क्या फैसला है यार, बटलर आउटफील्ड में फील्ड कर ही नहीं पाता है, लेकिन आप बेटर कंट्रोल के लिए आप खुद कीपिंग कर रहे हो, जबकि आप आउटफील्ड में इतने आउटस्टैंडिंग कैच कंट्रोल, ये बेटर कंट्रोल वाली बात नहीं है सूरज। अगर आपको याद होगा पिछला जो आईपीएल हुआ था अभी 5 महीने पहले, उसमें ना टिल द मिडिल ऑफ आईपीएल जॉस बटलर कीपिंग कर रहे थे, सडनली एक जब इंडियन टीम सिलेक्ट होने वाली थी कहीं से कोई एक मैसेज आया होगा जिसकी वजह से मिड ऑफ द टूर्नामेंट आपने विकेट कीपर चेंज कर दिया था और संजू सैमसन कीपिंग करना शुरू कर दिए थे और उनको एज अ कीपर इंडियन टीम में सिलेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पकड़ लिया अगर इंडियन टीम में खेलना है तो एज अ बैकअप कीपर ही शायद खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप का साल। दिनेश कार्तिक बनेंगे फिर ये। हाँ तो मतलब वही ये कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अब आपके पास ईशान किशन और केएल राहुल भी है बैकअप कीपर, वो हो गए दोनों टीम में, वो रहेंगे 23-30 साल में, तो खैर अगले 15 साल अब खेलेगा तो है ही मेन आपके कीपर, तो इसलिए ये थोड़ा कीपिंग करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देख लो मैं भी हूँ, पर आपको यार करनी पड़ेगी। राजस्थान रॉयल्स के लिए तो सबसे बुरी खबर है कि कल की हार के बाद बहुत सारे खिलाड़ी दिमागी रूप से पूरी तरह से बंद हो चुके होंगे, अब क्या किया जाए, ये एक विकेट भी नहीं निकाल पाए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये उनादकर को क्या हुआ था कल, उनको क्यों हटा दिया टीम से, उन्होंने 3 विकेट लिए तो थे 2 मैच पहले, इसीलिए हटा लिया ना वो बेचारे ने 2 साल में पहली बार विकेट लिए, कह रहा तुम सुनो यार। और राजस्थान में कार्तिक त्यागी हैं, मयंक मार्कंडे हैं, एंड्रू टाई हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बाहर बिठा रखा है बेचारे मयंक ने तो कुछ छक्के भी मारकर दिखलाया कि भैया हम थोड़ा बैटिंग कर लेते सारे एक तरह के फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, वही चेतन सकारिया भी थोड़ा स्लोअर बॉल ज्यादा डालते हैं। क्या कुल मिलाकर क्या कहेंगे आप, कुमार सानिकारा की दो की गलती है या उनका दोष क्या है, मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से उनकी सबसे बड़ी कमी है ओपनिंग स्टैंड यार, ये भी मैं बहुत डिसअप। मनन वोरा अगर आप लोगों को याद हो, मैंने इनफैक्ट मैं काफी अच्छे से जानता भी हूँ, मेरी काफी पहले मैंने एक बार इनको इंटरव्यू भी किया हुआ है, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग ये प्लेयर थे यार एक टाइम पे, एक टाइम थे, लेकिन अब मनन वोरा वो मनन वोरा नहीं। इस साल इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ना काफी अच्छा प्रदर्शन इनका रहा था, उत्तराखंड के लिए शायद खेले थे ये, काफी रन वन किए थे और नहीं सॉरी चंडीगढ़ के लिए खेले थे शायद, और पिछले 1-2 साल में इनको इतने मौके मिले नहीं है, तो इस बार मुझे लगा था कि चलो अच्छा है चांस मिल रहा है, शायद कुछ आईपीएल में मतलब चांस मिले नहीं है 1-2 साल में, तो इस बार शायद कुछ करके दिखाएंगे, बट वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब अगेन एक वो टैलेंट है आईपीएल में जो मतलब पीक करने से पहले ही खत्म हो गया शायद। यशस्वी जायसवाल है इनके पास, उनको खिला सकते हैं, अब क्या करें, बहुत अब समय निकल चुका है, अब जो है उन्हीं को संभाल कर रखें, उन्हीं को मौके दें टूर्नामेंट में कुछ करना हो, तो अब जब ज्यादा प्रयोग करेंगे तो अब टीम अब कुछ भी नहीं करता। मोटा मोटी अभी तक जो यही समझ में आया है कि जो बॉटम की जो चार टीमें होंगे कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस ही गड़बड़ है, अभी तक वो जो एक कॉम्बिनेशन है सही कॉम्बिनेशन अपने के लिए अपनी टीम के लिए वो तलाश नहीं पाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपना सही कॉम्बिनेशन और टीम बैलेंस तलाश लें तो आगे टूर्नामेंट में और मजा आए। तो इनके तो राजस्थान के तो एक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको नहीं खिलाया तो घर ही चले गए, वो खेलूंगा तो गली क्रिकेट की याद आ गई मेरे को, लियाम लिविंगस्टोन बैटिंग नहीं देगा तो मैं जा रहा हूँ उनकी गलती नहीं है, बीबीएल में बड़ा ट्रोल हुए थे वो लोग, कह रहे थे अगर आप इतने अच्छे होते तो इंडिया में होते, यहाँ नहीं आते, वो प्रेशर लेकर आए हुए थे लिविंगस्टोन, इसलिए चलेगा। ठीक है, तो इसी नोट पे इस चर्चा को खत्म करते हैं, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मानस, विश्वा, सूरज और प्रवीण, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे आज तक रेडियो पे आईपीएल की टेटे सीजन 2 का 3rd एपिसोड। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या?
तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती, ये है सुबह का खबरनामा आज का दिन मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।